हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। और आज हम लोग आईसीटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेपर वन को कंप्लीट करेंगे। एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट को करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि मैम प्लीज पेपर वन को भी कराइए, क्योंकि पेपर वन का जो इम्पोर्टेंस है ये आप सबको पता चल रहा होगा। पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन में से कुछ के 20 करेक्ट होते हैं, कुछ के 25 करेक्ट होते हैं, कुछ के 30 होते हैं। इससे ज़्यादा जाने में हालत ख़राब हो जाती है। मतलब 35 जिसका है वो एक्सेलेंट है ना, और कुछ एक्सेप्शनल हैं जो 40, 45, 46 तक भी जाते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग एक्सेप्शनल हैं। लेकिन एवरेज जो ग्रुप है वो इसके बीच में रहता है और थोड़ा एवरेज से ज़्यादा इधर जाता है। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को 5 क्वेश्चन अगर आईसीटी के हमारे बिल्कुल हमारे मुट्ठी में आ जाए तो हम इसको अपना रेशियो बढ़ा सकते हैं। और केवल 5 ही नहीं, मैं एक एक सब्जेक्ट आपका इतना तगड़ा कराने वाली हूँ कि आप 35 तो नहीं 40 प्लस क्वेश्चन आप करेक्ट कर सके पेपर वन में। मीन्स 80 मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हो जाए पेपर वन में। ये मेरा टारगेट है इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो प्लीज़ बने रहिए, हर वीडियो को देखिए। और आज के वीडियो में मैं अभी क्या क्या कराने जा रही हूँ वो पहले बता दूँ। एक तो मैं आप लोगों को फाइव क्वेश्चन में से 4 को मैं आज एक्सप्लेन करूँगी और एक आपका होमवर्क रहेगा जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे वीडियो देखने के बाद, उसका आंसर आप रेडी करेंगे और उसके बाद मुझे आप कमेंट में बताएंगे, आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद एक टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट क्योंकि केवल पीवाईक्यूज नहीं, कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट को लेके मैं डेली आऊँगी जो कि 5 मिनट। तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट का हो जाएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट कवर करना है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करने वाली है। सो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, मैचिंग का है ये। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ कंप्यूटर टर्म दिए हुए हैं, यहाँ उसका पर्पस दिया हुआ है। अब देखिए, कंप्यूटर टर्म तो दिया है लेकिन हम लोगों को फटाक से एकदम इमिडिएटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, OCR, OMR, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग। अब किसी एक ऑप्शन को आपको जो कंफर्टेबल लगे उस ऑप्शन के साथ आप बढ़िए, मैं आपको यहाँ अपने हिसाब से करवाती हूँ। तो मैं तो हर एक ऑप्शन को यहाँ एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई 2 ऑप्शन भी आप अगर करेक्ट कर लिए तो आपका आंसर निकल आता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक ऑप्शन से, जैसे डी है, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है, जैसे हम व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे हम चैट करते हैं, चैट में क्या है, सामने वाला अगर कोई पर्सन है वो ऑनलाइन है तो हम क्या करते हैं, इमिडिएटली चैट कर पाते हैं। अगर एट द सेम टाइम हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं तो वो सिंक्रोनस हुआ। सेम टाइम मीन्स सिंक्रोनस, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही है, ट्विस्टेड वे में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ईमेल। अब एक डी का 4 हो गया तो हम यहाँ ऑप्शंस में आएंगे, डी का 3 इलिमिनेट करो। अब इस दोनों में चांसेस हैं, इन दोनों में। अब हम जाते हैं अगले ऑप्शन पे, सी। अब सी पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन में 3 यहाँ दोनों में दिया हुआ है तो हम सी को भी नहीं देखेंगे, हम चले जाएंगे बी पर। बी पर गए तो यहाँ पे ओ एम आर है, ओ एम आर ओ एम आर है ओ
OMR क्या है? Used to mark multiple choice questions. ठीक है? Used to mark multiple choice question, used to scan typed or handwritten document. तो OMR sheet आपको याद होगा, exams में हम use करते हैं. और हमारे नेट का भी एग्ज़ाम जो CBSE लेती थी तो OMR सीट पे होता था, लेकिन अभी है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आ गया एग्ज़ामिनेशन का, CBT आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम्स में OMR सीट होता है. तो क्या हैंड रिटन डॉक्यूमेंट वहाँ होता है, टाइप या स्कैन डॉक्यूमेंट होता है? नहीं. यूज टू मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ डायरेक्ट आपको दे दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसके बाद ही आप देख लेंगे बी का, जब टू हो गया, बी का आंसर टू हो गया, तो आप यहीं पे देख लेंगे कि इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, बी को एलिमिनेट हो गया. अब हमारा सी आंसर निकल आया, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी दोनों ऑप्शन भी. अब OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है, तो ये क्या करता है, स्कैन करता है टाइप्ड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को. स्कैन यूज टू स्कैन टाइप्ड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट और इमेजेस को भी. ठीक है, इमेजेस विद टेक्स्ट उसको भी वो स्कैन करता है. तो ये इसका वन हो गया, ऑब्वियसली हो गया. अब देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ. शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि कुछ प्राइस टैग कैसे होते हैं, वो आपको हैंड रिटन होते हैं ना. आप गए बिलिंग काउंटर पे, उसका वो चिपका हुआ नहीं है, बारकोड नहीं, लेकिन कई बार हैंड रिटन रहता है. लेकिन उसमें भी वो लोगों का ऐसा रहता है कि वो लोग उसको स्कैन कर पाते हैं. ठीक है, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ बारकोड्स होते हैं, उन सब को ये कर सकता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईमेल पे. ईमेल एसिंक्रोनस क्यों है? ईमेल एसिंक्रोनस इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट टाइम पे होता है. हम अलग अलग टाइम पे, मान लीजिए कि हम किसी को मेल करते हैं, तो वो मेल वो कोई जरूरी नहीं है कि अभी देखेगा. और किसी ने मुझे मेल भेजा, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वो मेल सेम टाइम पे देखूं. तो क्या होता है कि वो एसिंक्रोनस होता है, डिफरेंट टाइम पे एसिंक्रोनस, सेम टाइम पे सिंक्रोनस. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया. अब मैं इमेजेज आपको दिखा देती हूँ कुछ, जिससे कि इमेज से क्या होता है ना कि वो रिकॉल कर पाते हैं, हम ईजिली उसको रिकॉल कर पाते हैं. तो हम आइए इमेजेस पे चलते हैं. ये है OCR. OCR एक डिवाइस है जो कि इमेज विथ टेक्स्ट, PDF और स्कैन, ये स्कैन का इमेज है, साइन है. स्कैन जो इमेजेस होते हैं उसको, मतलब हैंड रिटन इमेज डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन किए गए हैं, तो उसको भी ये रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कर लेता है. और ये OMR से जो हमारे एग्ज़ाम में यूज़ होता है. ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से समझ गए और बहुत ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं. लेकिन हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, कहीं ऐसा मत हो कि हम उसमें बेसिक्स में ही कंफ्यूज हो जाए. और हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो 20-22 करेक्ट करते, 25 करेक्ट करते हालत ख़राब हो जाती है पेपर वन में. लेकिन मेरा इस बार का टारगेट है कि 40 प्लस आप लोगों को, एटलीस्ट 40 आप लोगों को टारगेट करके चलना है. ये क्वेश्चन हो गया. अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका, आप कितने अपडेटेड हैं इससे ये पता चल जाता है इस क्वेश्चन के आंसर से. NIT कंपनी हैज रिसेंटली, ठीक है, प्रोड्यूस ए न्यू लैपटॉप मॉडल दैट यूजेस लेस पावर यूज़ करता है, इज स्मॉलर इन साइज में भी छोटा है, एंड वेट लेस देन द प्रीवियस लैपटॉप. तो वेट में भी लेस है, ठीक है, वेट में भी लेस है, लेस पावर है, रिसेंटली प्रोड्यूस है, और द टेक्नोलॉजी,
ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी को आप इसके साथ कनेक्ट कीजिए, रिसेंट टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ कैपेसिटी भी कभी आगे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कैपेसिटी भी पूछ देगा कि कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, ठीक है? तो देखिए, फास्टर रैम, कितना भी फास्टर रैम है, लेकिन रैम क्या होता है? रैम होता है जो कि कई दशकों से यूज होता आ रहा है कंप्यूटर्स में, ठीक है? तो रैम तो होगा ही, फिर ब्लू रे ड्राइव। ब्लू रे ड्राइव भी ऐसा चीज़ है जो कि रिसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ये रिसेंट है ना ये रिसेंट है। अब एलसीडी देखें, एलसीडी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी कम से कम 12-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो ये भी रिसेंट नहीं है। रिसेंट का मतलब क्या है कि आपका साल 2 साल से चल रहा हो, जो 2-3 साल से ऐसा हो एटलीस्ट, और रिसेंट। अब हमें इसमें कंपेयर करना है, इन चारों ऑप्शन में। और कोई ऑप्शन रहे जो बिल्कुल अभी नया लॉन्च हुआ है 2-4 महीने पहले, तो फिर हम उसमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कंपेरेटिव आंसर होता है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एस एस डी क्या होता है? ये बिल्कुल रिसेंट है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसका वेट भी लेस है, ये पावर भी लेस लेता है, और ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है। अब हम देखिए इसका इमेज दिखाते हैं। देखिए, एलसीडी की टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, रैम है, ब्लू रे डिस्क है, और ये एसएसडी है। ये है एसएसडी, देखिए 1 2 3 4 5 5 10 ऐसे करके ये है, और ये इतना छोटा सा जो है हार्ड एसएसडी, इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको कहते हैं 500 GB, ठीक है, 1 TB, 2 TB, ठीक है ना, 2 TB तक, और अलग 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 कैपेसिटी के आते हैं डिवाइसेस, ठीक है। और ये इतना हल्का होता है, बिल्कुल मतलब एक मैच बॉक्स से थोड़ा भारी समझ लीजिए, इतना ये हल्का होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ, और आज जो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, तो इससे रिलेटेड कुछ घुमा के भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन यहीं पे अगर कोई और न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको उसके साथ कंपेयर करना होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसका इमेज आपके दिमाग में रहेगा, तो आधा क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ऑन इट। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अगर हम स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को पहली बार कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या होता है, हम उन लोगों को क्या बताते हैं? कंप्यूटर क्या है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट देता है, ठीक है? अब प्रोसेस किसकी मदद से करता है? सीपीयू की मदद से करता है। सीपीयू में क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, और पेपर 1 के लिए इतना इनफ है। अब इनपुट यहाँ से जाता है और यहाँ आउटपुट देता है, लेकिन आप ये बताइए कि हम इनपुट कैसे देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में? सी है, जावा है, अदर कोई भी है, इंग्लिश टेक्स्ट में लिखते हैं, और हमको आउटपुट भी हाई लेवल में ही मिल जाता है, लेकिन क्या कंप्यूटर उसी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है? नहीं, कंप्यूटर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये बाइनरी में बात करता है। कंप्यूटर जो है ये बाइनरी जीरोज एंड वन को ओनली समझता है, और इसको समझने में कौन हेल्प करता है? इसको पूरे प्रोसेस को ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग चीज़ है जो कि आपको हेल्प करता है इसको समझने में। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर क्या है? जस्ट अ डब्बा, ओनली अ डब्बा, नथिंग एल्स। तो इसको कुछ नहीं हो सकता, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, डेफिनेटली हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए करेक्ट है, ठीक है, आर नॉट करेक्ट, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ये हो सकता है, या ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब हम देखते हैं ए फॉल्स, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे।
ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और फर्स्ट और थर्ड में अब हमको देखना है, मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। यस, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, मैन डालता है हाई लेवल लैंग्वेज, ये समझता है लो लेवल लैंग्वेज, फिर ये हमें देता है हाई लेवल। जैसे होता है कि लोग कहीं जाते हैं घूमने और हमें भाषा वहाँ की नहीं आती है, तो क्या होता है, वहाँ कोई ट्रांसलेटर रखा जाता है, वो ट्रांसलेट करता है आपको, सामने वाले का लैंग्वेज भाषा आपको ट्रांसलेट करके बताता है और आपकी भाषा को सामने वाले को बताता है। इस तरह का विदेशों में होता है या अलग अलग जगह पे होता है जहाँ हम नहीं जानते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर में भी वो सारी चीज़ें हैं, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आर इज फॉल्स, नो आर इज नॉट फॉल्स, आर इज ऑल्सो ट्रू, इलिमिनेट हो गया, तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, हो गया। तो इस समय क्या है कि आपको दिमाग अपना शांत रखना होगा, शांत दिमाग से करना होगा, जिससे कि आप करेक्ट कर पाए, आंसर को करेक्ट कर पाए। थोड़ी सी हड़बड़ में क्या होता है, हम लास्ट में जाके तीन ऑप्शन एलिमिनेट, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तीसरे या चौथे में जाके हम अटक जाते हैं और हमारा मार्क्स वहाँ डिक्रीज हो जाता है। ये मिस्टेक हमें नहीं करना है और इसीलिए मैं ये पूरा सीरीज लाई हूँ, ICT मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी पेपर वन का, उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी और आप लोग बताएंगे जैसा आपको ज़रूरत हो तो मैं उसके हिसाब से करूंगी। अगले हम ऑप्शन पे जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्मार्टफोन दैट हैज़ बोथ ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। हम सबके पास है स्मार्टफोन, उसमें किसी के पास वाईफाई है, किसी के पास ब्लूटूथ है, किसी के पास दोनों है, तो ये भी बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि पेपर वन नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले भी सारे स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, तो मैं ये सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाईफाई हैज़ ए शॉर्टर रेंज देन ब्लूटूथ, नहीं बिल्कुल गलत। क्यों गलत है, क्योंकि ब्लूटूथ का रेंज होता है एक कमरे में, एक बिल्डिंग में भी नहीं होगा, कमरे में होगा, एक छोटे से ऑफिस में होगा, विद इन लिमिटेड रेंज होगा, ठीक है, लिमिटेड रेंज में ब्लूटूथ काम करता है। लेकिन वाईफाई कहाँ करता है, एक बड़ा कैंपस, ठीक है, वाईफाई बड़ा कैंपस है, मॉल्स है, ऑफिसेज हैं, आप देखिए सारे ऑफिसेज कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ वाईफाई काम करता है, क्या यहाँ ब्लूटूथ टिकेगा, नहीं टिकेगा, ठीक है, क्या इसको संभाल, नहीं। तो वाईफाई हैज़ ब्रॉडर रेंज देन ब्लूटूथ और ब्लूटूथ हैज़ शॉर्टर रेंज देन वाईफाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट अब रॉन्ग हो गया, तो बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, ये एलिमिनेट हो गया, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, ये हो सकता है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, नो नॉट ट्रू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, ये हो सकता है। अब बी और डी में से हमको देखना है, वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए फास्टर रेट देन ब्लूटूथ, यस बिल्कुल, क्योंकि वाईफाई की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका रेंज ब्रॉडर है, तो वो बिल्कुल वो फास्टर ही करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट वन इज टू इज ट्रू, ओके। ये सारा 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन, अभी जो हुआ था एग्ज़ाम उसका है। तो ये हमारा आंसर हो गया, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। और अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन को कुछ इमेजेस दिखा दूंगी, लेकिन इसको आपको एक्सप्लोर करना है खुद से, खुद से इसको एक्सप्लोर कीजिए और कल होमवर्क के साथ आप आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपके पास, आप आ सकते हैं और इसको बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझें,
ये टाइप ऑफ मेमोरी, यहाँ टाइप ऑफ मेमोरी दिया है और यहाँ फैब्रिकेशन मेथड दिया है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम, एस रैम, पी रोम, ई पी रोम, ये सारा दिया है और इसका फैब्रिकेशन मेथड, इसको आपको एक्सप्लोर करना है। नेट पे जाइए, बुक पे जाइए, अपना दिमाग लगाइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। और कल तो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दूंगी। तो ये है, अब इसमें कुछ मैं हिंट दे देती हूँ। ओके, ये देखिए जैसे रैम का इमेज है, ठीक है, डी रैम है, पी रोम है, ये ई पी रोम है। ये इमेजेस मैं बस बता देती हूँ, एक्सप्लेन कल करूँगी। तो यहाँ तक था डियर फ्रेंड्स आईसीटी का 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक, एक टॉपिक मैं डेली छोटा सा कराऊंगी, जिससे कि आपको नेक्स्ट अदर देन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावे भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहें। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस विच मेक्स अ ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, मल्टीपल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है डिवाइसेस का, ये ग्रुप है, यहाँ और एक ग्रुप होगा, और एक ग्रुप होगा, और एक ग्रुप होगा, और एक ग्रुप होगा, इसमें भी सब में डिवाइसेस होंगे, मल्टीपल डिवाइसेस, ये लोग भी आपस में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये एक दूसरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो ये है विच मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो ये मिल के बना देता है एक नेटवर्क, इंटरनेट, नेट, देखिए नेट एक जाल बन जाता है, ठीक है। तो ये है, अब इंटरनेट में और क्या है, यहाँ देखिए ये हमारा अर्थ, ये इसमें देखिए अलग अलग ऐप हैं, ठीक है, कॉल हो रहा है, ग्रुप है, मीटिंग है, ऑफिसेज हैं, फिर यहाँ स्टडीज़ है, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पीसीज हैं, घरों में यूज हो रहा है, ये चैट हो रहे हैं, टेक्स्ट है, मेल है, मैसेजेस हैं, ऑडियो वीडियो, सो मैनी थिंग्स, शॉपिंग मॉल, अलग अलग चीज़, अलग अलग जगह इसको यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो इसीलिए ये इंटरनेट है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैब है, अदर डिवाइसेस होते हैं, पेजर होते हैं, ये सब। अब इंटरनेट ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। वायर्ड क्या है, जैसे एक लैब में है, हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में लैब में देखते हैं, ऑफिसेज में देखते हैं, स्मॉल ऑफिसेज में, वहाँ भी वायर्ड होते हैं। और ये जो है ये RJ45 पिन होता है, RJ45 पिन होता है, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए या कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ने के लिए, जो कि स्कैनर है, प्रिंटर है, और भी कोई चीज़ है, तो इस तरीके से उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये इमेज मैंने दिखा दिया, अब आपको वायर्ड का याद रहेगा कि कैसे होता है। अब वायरलेस, वायरलेस में क्या है, ये सारे चीज़ हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस से कनेक्ट हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं सैटेलाइट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एंटेनाज है, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का वायर, वायर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये वायरलेस। यहाँ देखिए यहाँ पे लैपटॉप है, टैब है, प्रिंटर है, अलग पीसी है, मोबाइल है, और भी डिवाइसेज इसमें ऐड हो सकते हैं। ये क्या वायर से कनेक्ट है? नहीं। हम अपने घरों में क्या वायर से कनेक्ट है? नहीं। हम अपना डिवाइस लेके इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी टेबल चेयर पे, कभी किचन में, कभी हर जगह ले जाते हैं डिवाइस को, लेकिन वो क्या है, वो वायरलेस है। अगर केबल हम ऐड कर दें तो क्या हाल होगा, फिक्स, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं। और ये देखिए एक दिख रहा है नेटवर्क, ये जितने भी डॉटेड हैं ये सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक है।
तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कि इंटरनेट क्या है, वायरलेस कैसे होता है, वायर्ड कैसा होता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। अगर लगता है कि यूज़फुल है तो शेयर कीजिए, और लगता है कि मैम के चैनल पे फिर आना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हैं, ये मैं हर वीडियो में बता देती हूँ। एआई का सिलेबस कंप्लीट है, एआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ चैप्टर हुआ है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, रिसर्च के कुछ लेक्चर्स हुए हैं, पेपर वन में, ये पेपर वन का है। और डिस्क्रीट में प्रोपोजिशनल लॉजिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट है, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कराए मैंने, और सारे हैं इजी और सिंपल लैंग्वेज में विथ डेली लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो ये सारा आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो सपना को पूरा करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना है, पढ़ना है और बढ़ना है, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अभी तक एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए होमवर्क के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।